अभी जो आपके सामने मध्य प्रदेश की प्रगति के द्वार खोल रहे थे, ऐसे भारत सरकार के केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर आदरणीय अनंत कुमार जी, वो 10 साल मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे और 10 साल में मध्य प्रदेश से ऐसा नाता उन्होंने जोड़ा है कि सचमुच में हमने तो ओपन डोर पॉलिसी बनाई है, आपने तो सारे विभाग अपने विभाग के द्वार ही खोल दिए हमारे लिए। नहीं यार, ताली बजाना तो जरा ढंग से बजाइए। माननीय अनंत कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, हमारे मध्य प्रदेश से ही मंत्री, उन्हें भी कोई कसर नहीं रखी है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे कि अगर मेरा विभाग ठीक नहीं चलेगा तो घोषणा कितनी कर लो पूरी नहीं होगी। हम आपके आभारी हैं, आपने भी सारे क्लियरेंस देने का फैसला किया है। पर्यावरण और विकास में संतुलन, यही चीज किसी देश को बड़ा बनाएगी। हमारे सचमुच में पिछले दिनों भोपाल आए थे, पावर सेक्टर के जितने इश्यूज थे सब चुटकी बजाते जिन्होंने हमारा समाधान किया था, आदरणीय पीयूष गोयल जी, और हमारे आग्रह पर, हमारे विनम्र निमंत्रण पर हमारे बीच पधारी, जिनके विभाग की ये समिट हो रही है उस विभाग की वो मंत्री हैं, बहन निर्मला सीतारमण जी, हमारी इंडस्ट्री मिनिस्टर बहन यशोधरा राजे जी इस मंच पर विराजमान, आदरणीय गौड़ साहब जो वास्तव में 84 साल की उम्र थी लेकिन जज्बा तो बिल्कुल 16 साल का लग रहा था। आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, जो चुनौती होती वही काम स्वीकार करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में फिल्म बनाने वाले और कलाकारों को काम देने वाले आदरणीय प्रकाश झा जी, मेरे मंत्रिमंडल के, क्योंकि समय काफी हो गया इसलिए मेरे सभी सहयोगी गण यहां उपस्थित, रिस्पेक्टेड एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, सभी उद्योगपति मित्रों, बहनों और भाइयों, सचमुच में मैं अभिभूत हूं। हमने जब ये समिट तय की थी तब ये कल्पना नहीं की थी कि हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे। हमने इस बार तय किया था कोई MOU नहीं, हम तो मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करेंगे, हम मध्य प्रदेश की नीतियों के बारे में बताएंगे, हम मध्य प्रदेश में विकास के मामले में, विशेषकर इन्वेस्टमेंट के मामले में जो हर्डल्स हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन सचमुच में आप सबने जो स्नेह, प्यार और विश्वास दिया है, मैं दोबारा फिर दोहराना चाहता हूं, निवेशक मित्रों, शिवराज सिंह चौहान और ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी, कभी खंडित नहीं होने देगी। मैं रात में ठीक से सोया नहीं, मैं लगातार ये सोचता रहा कि रोड मैप बनाना है। ये समझ लेना कि ये घोषणा होकर नहीं रहेगी। कल भी मैंने कहा था कि अगर हाथ एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन सचमुच में मुझे वो दिन याद आ रही, 2012 में हमने समिट की थी। मैं राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा लेकिन मन में एक बात आ गई, मैं केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण देने गया था, हमारा निमंत्रण उस समय कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था और एक मंत्री आए थे वो भी गाली देके चले गए समिट को। इंदौर में थे, हमने पकड़ लिया कि महाराज चलो तो हमें ही भला बुरा कह गए। लेकिन आज देखिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उम्मीद से भरा नेतृत्व,
आशा से भरा नेतृत्व, विश्वास से भरा नेतृत्व, और आज भारत सरकार के मेरे माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे बहन और भाइयों, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के इस सरकार के मंत्रियों का भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये विकास का राजमार्ग है, और ऐसा राजमार्ग जहां कोई दल नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी दल की सरकार हो। अरे विकास के मामले में कैसा भेदभाव, 125 करोड़ देशवासी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के, ये तो भारत माता के लाल है, इनके बीच में कैसा भेदभाव करें। सरकार हो तो ऐसी हो। आपने सही कहा था, पीयूष जी कह रहे थे एक आत्मानव दर्शन की बात, ये क्यों है ये तड़प हमारे मन में, ये केवल समृद्धि और विकास का जो राम ने पकड़ा क्यों पकड़ा है। सचमुच में अगर मैं विचारधारा की बात करूं, समय अधिक लग जाएगा लेकिन मन मान नहीं रहा मेरा। संस्कृति की बात, भारतीयता की बात गौर साहब ने कही थी, सुविचारित सोच है हमारा, सुविचारित सोच। हम ऐसी राज्य और समाज की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जिसमें हर मनुष्य सुखी रहे, हर मनुष्य परिपूर्ण जीवन जिए, हर मनुष्य सफल और सार्थक जीवन जिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हड़मास का टुकड़ा नहीं है। वो कहते थे मनुष्य शरीर है, शरीर का सुख चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, रोटी तो चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसके बिना काम चलेगा नहीं, आर निद्रा भय मैथुन, ये सबकी जरूरत है, ये जरूरत पूरी होनी चाहिए, इसके बिना दुनिया चल नहीं सकती, और उसके लिए रोजगार से लेकर बाकी दूसरी चीजें चाहिए। लेकिन इतना सीमित सोच नहीं है भारत का, इसके आगे ये सोच बढ़ता तो कहता है मनुष्य मन भी है, मन का सुख भी चाहिए, केवल रोटी से काम नहीं चलेगा। अब कल हम संगीत का कार्यक्रम देख रहे थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे, शरीर को कुछ नहीं मिलता था लेकिन मन आनंदित होता था। कल कल छल छल करके कहीं झरना अगर गिरता है, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो मन रम जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अभी हमारे कमिश्नर साहब ने इंदौर पे किताब लिखी, उसका विमोचन हुआ, हमने विमोचन के समय प्रशंसा की, उनका मन गदगद हो गया। इसको मन का सुख कहते हैं, नरेंद्र सिंह जी जानते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मनुष्य को केवल शरीर का सुखी करने से काम नहीं चलेगा, उसको सुखी करना तो मन का सुख चाहिए। और ये मन का सुख क्या होता है, माँ के पास तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा आ जाए तो उसको जैसे वो अपने सीने से चिपका लेती है, और सीने से चिपका के जो सुख माँ को मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर कोई कविता कुछ पंक्तियां लिख दे तो उनको सुना के उसको जो आनंद प्राप्त होता है। मुझे बार बार एक किस्सा याद आता है, बिलासपुर में एक कार्यक्रम में गए थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, कार्यक्रम समाप्त हो गया, ट्रेनों से हम आते थे, धर्मशाला में कार्यक्रम होते थे, हम धर्मशाला में लेटे थे। मैं युवा मोर्चे का महामंत्री हुआ करता था, बीजेपी की यूथ विंग का, और हमारे एक अध्यक्ष हुआ करते थे विजेंद्र सिंह जी, हम दोनों आराम कर रहे थे। तब हमारे कुछ कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए और कहा भाई साहब, ये आपका उद्बोधन सुनकर बहुत प्रसन्न है, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हमने उठे, खड़े हुए, उनको बिठाया और हम कहा बताइए। तो उनका बेटा देश की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, हालत तो है ख़राब। बोलिए ख़राब हालत देख के मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा हम भी बहुत व्यथित हैं। तो उनने कहा बेटा यही व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वो तुमको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मर गए ये तो कवि है, और कविता सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा नहीं अध्यक्ष जी को सुनाइए। अध्यक्ष जी लेटे लेटे बोले नहीं नहीं ये अच्छे कदरदान है, इनको ही सुनाइए। हम फंस गए। उनने कविता सुनाना शुरू किया। अब जब कोई कविता सुनाए तो कहना पड़ता है वाह क्या क्या शब्द है क्या भाव है। हम भी कहते जा रहे थे वाह क्या शब्द है क्या भाव है। कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने धीरे से पानी का गिलास उठाया, एक एक घूट पानी लेता जाऊं, वो पंक्तियां कहें तो मैं कहूं वाह क्या शब्द है क्या भाव है। ये कहते कहते मेरी नजर मेरे मित्र से मिल गई, जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराता हुआ देख के मुझे भी हंसी आ गई, और मेरे मुंह का पूरा पानी कबीवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे ठसका लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, क्या करूं। जैसे तैसे सामान्य हुआ, लेकिन मैंने कहा ये तो सोचेंगे कैसा कार्यकर्ता है ये, तो इसमें तो शिष्टाचार ही नहीं है। तो मैंने सामान्य होती उनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा माफ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो।
ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख मन का सुख है। तो मनुष्य को सुखी करना है तो मन का सुख भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कहा कि नहीं नहीं और भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब ये बुद्धि का सुख क्या होता है? आजकल आता कौन बनेगा करोड़पति, एक सवाल उभरता है, चार जवाब आते हैं। आप हॉट सीट पर नहीं बैठे अमिताभ बच्चन के सामने, घर के टीवी सेट के सामने अगर उत्तर समझ में आ गया तो जोर से चिल्ला देते हैं ए, और बड़ा आनंद आता आपको कि देखो मैंने ढूंढ लिया। न्यूटन कहते हैं एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा तो जमीन पे गिरा। न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूट के जमीन पे गिरा, ये जमीन पे क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका, उत्तर मिल नहीं रहा था। जो लोग गुजर रहे थे उनमें से बुलाया लोगों को, तो भैया मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा, इसका उत्तर तुम दोगे क्या, क्या प्रश्न बताओ। बोले हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिर गया। लोगों का जमीन पे नहीं गिरता तो क्या होता, ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका, तो लोगों का गया काम सही है। तो अरे भाई बरसों से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे ही तो गिरता है, लेकिन न्यूटन नहीं माने और ढूंढते रहे, अंततः खोज लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। और ये सिद्धांत खोज के जो सुख न्यूटन को मिला वो बुद्धि का सुख है। और एक चौथा और है, आत्मा का सुख। और आत्मा का जो सुख है, कोई माने ना माने, आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन हम जितने हैं हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है। एक चीज कहती, थोड़ा बहुत गलत काम कर ले कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई आदमी गलत काम करने जाता तो अंदर से आवाज आती, मत कर, ये गलत है, उसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। अगर उसको वो सुन लेता है तो गलत काम करने से रुक जाता है। मेरे गांव का एक किस्सा मुझे कई बार याद आता है। नर्मदा जी के किनारे हमारा गांव, बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ का दृश्य हम देख रहे थे, शाम का समय था, पानी गांव में घुसा नहीं था। अचानक एक बेटी का पैर फिसल गया और नर्मदा में बहने लगी, उफनती नर्मदा बह रही थी, कोई कूदा नहीं बचाने। एक आदमी अचानक आया, कूदा और बच्ची को 1.5 किलोमीटर दूर जाके भी अपनी जान पे खेल के बचा के लाया। वो आदमी है कौन? जब ये देखने की उत्सुकता जगी तो देखा वो उस इलाके का प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलाब। लोगों ने कहा, अरे गुलाब तुम कैसे अपनी जान पे खेल के बच्ची को बचाने कूद गए? तो आया था ये देखने के कहां सेंध लगाना है, लेकिन ये जब बच्ची गिरी और किसी ने नहीं उठाया तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं इसे बचाने कूद पड़ा। ये अंतरात्मा किया, इसको आत्मा का सुख कहते हैं। और सचमुच में कोई भी राज और समाज की व्यवस्था ऐसी हो जो मनुष्य को शरीर का सुख दे, ये पूरी कवायद कर रहा है, इसलिए कि रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम हो जाए, रोजगार मिले, उद्योग धंधे आए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा भी राज चाहिए जहाँ कला का सम्मान हो, संस्कृति का सम्मान हो, कलाकारों का सम्मान हो। आप अगर क्रिएटर हैं, आप अगर रचयिता है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका सम्मान हो, आपकी बुद्धि। हम लोगों ने जो अगर इनोवेटिव आइडिया आ जाए तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? इसलिए तो हमने वेंचर कैपिटल फंड बनाया कि अगर नौजवान आएंगे उनके पास कोई आइडिया तो उसका आइडिया व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, सरकार इक्विटी लगा के उसके उद्योग को खड़ा करने का काम करेगी। और आत्मा का सुख, ये CSR क्या है? ये है कि हम अच्छा काम करके, क्योंकि केवल पैसे से संतुष्ट नहीं होते, अपने अंतरात्मा को सुखी बनाए। इसलिए मध्य प्रदेश में हम ऐसे सामाजिक और राजनीतिक समाज और राज्य की रचना करना चाहते हैं जहां मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का सुख प्राप्त हो, बहनों और भाइयों। और आज की जो मैं ग्लोबल समिट देख रहा हूं उसके जो परिणाम निकले, मध्य प्रदेश को उस दिशा में कई कदम आगे बढ़ाएगी। मैं आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कल ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों को मंत्र मान रहा हूं और आप सबके सहयोग से अपनी टीम के साथ ये संकल्प आज ले रहा हूं कि मध्य प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। हम ड्राइविंग फोर्स बनाएंगे। रात भर हम सोचते रहे, देर रात हम अपने अफसरों के साथ बैठे, चीफ सेक्रेटरी, मेरी पूरी टीम, मंत्री, साथीगण, और हम लोगों ने तय किया कि इसका रोड मैप कैसे बनाए। अब जिनने हमने MOU की बात नहीं की थी, लेकिन जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसमें अभी हम हिसाब लगा रहे थे वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जब चीफ सेक्रेटरी बोल रहे थे तो वो 4,70,00,000 के आसपास था, लेकिन अब जब मैं बोल रहा हूं तो 6,85,000 करोड़ तक वो पहुंच गया है। अब मेरी चिंता ये है कि इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। रजिस्ट्रेशन हमने किए, नंबर हमारे पास है, 1 महीने के अंदर हमारे
हमारी टीम इन सब जिनने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है उनसे संपर्क करेगी, उनसे बातचीत करके हम रोड मैप बनाएंगे, और जो गंभीर निवेश होगा उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि जो गंभीर निवेश हमारे गंभीर निवेशक है उन सबके साथ, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, हम एक व्यक्ति जोड़ देंगे जो सिंगल विंडो क्लियर, अब तो सिंगल विंडो नहीं, अब तो सिंगल डोर पॉलिसी हो गई है, दिल के दरवाजे भी खुले हैं, मध्य प्रदेश के दरवाजे भी खुले हैं, वो उनको सारे क्लियरेंस दिलाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कही थी, जैविक खेती के मामले में अभी 20 तारीख को ही हमारा सम्मेलन हो रहा है, मंडला की धरती पर हो रहा है, हमारे अधिकारी और कृषि मंत्री अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के जैविक उत्पाद की धूम पूरे दुनिया में मच जाए, इसका विशेष प्रबंध इसके लिए हम लोग करेंगे, और जैविक कंपनियां, जैविक उत्पाद की कंपनियां और जैविक किसानों का सम्मेलन हम 20 तारीख को करेंगे। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपसे कि उद्योग वेल्थ पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, और वेल्थ मध्य प्रदेश में है, वेल्थ से वेल्थ पैदा होती है। आप कहेंगे कैसे, वेल्थ में WEALTH ये अंग्रेजी के अक्षर आते हैं, W का मतलब वाटर, वाटर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पानी भी है और नेतृत्व भी पानीदार है मध्य प्रदेश का, उसकी कोई यहाँ कभी नहीं है। ई से एनर्जी, 24/7 पावर हमारे पास है, लेकिन केवल बिजली से काम नहीं चलता, बिजली का उपयोग करने वाले भी चाहिए, तो हम भी ऊर्जा से भरे हुए हैं और निवेशक भी ऊर्जा से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ए से एक्सेस, कनेक्टिविटी भी इसका मतलब है, और हम तक पहुँचना बहुत आसान है और इसलिए एक्सेस भी मध्य प्रदेश में है। एल से लैंड, हमारे पास पर्याप्त जमीन है, जमीन तो पर्याप्त है ही, लेकिन हमारे पांव भी जमीन पर टिके हैं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस लैंड का भी हम ठीक से उपयोग कर पाएंगे। टी से टैलेंट, मध्य प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट हमारे पास है, हम उस टैलेंट का प्रकटीकरण करने में सहयोग करेंगे। और एच से होप, आशा, आशा भी है और विश्वास भी है, आशा भी है और साथ में हम भी आशा से भरे हैं, हम निराश नहीं है कतई भी, आत्मविश्वास से भरे हैं, और इसलिए वेल्थ के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए, विशेषताएं चाहिए, मित्रों वो मध्य प्रदेश के पास है, इस टीम के पास है, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। आप आगे बढ़िए, निवेश कीजिए हमारे साथ, कदम से कदम मिलाकर चलिए, हम प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे, मेक इन इंडिया के लिए, मेक इन मध्य प्रदेश। और अगले बार जब अगली समट में हम इकट्ठे होंगे, मैं वो सारे विवरण अब समय के अभाव में नहीं दे रहा जो मैं और देना चाहता था, एक चीज लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो मुझे लगता है कि थोड़ा जरूरी है। एक बात माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विश्व में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स के मामले में 134वें स्थान पर है, काम बहुत बाकी है। हमने तय किया है हम हर वर्ष अपने प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर देश के सामने रिपोर्ट रखेंगे, ये रिपोर्ट स्वतंत्र एवं विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा बनाई जाएगी ताकि हमें निरंतर फीडबैक बनता मिलता रहे और हम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते रहें। हम सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे, थर्ड पार्टी से भी करवाएंगे। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आइडियाज आपके पास कई होंगे, कई मित्र ऐसे थे, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ जो मुझसे भेंट करना चाहते थे, जो मुझसे मिलना चाहते थे, मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन देर रात तक मिलने के बाद भी मैं सबसे नहीं मिल सका। कई के पास आइडियाज थे, कई के पास निवेश के प्रपोजल्स थे, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, दो माध्यम आपके पास है। नंबर एक, हर सोमवार को शिवराज सिंह चौहान स्वयं उद्योग मंत्री और अलग अलग हमारे मंत्रीगण हर सोमवार को इन्वेस्टर से मिलेंगे, मैं 11 से 12 तक मिलता हूँ, फर्स्ट हाफ हमारा निवेशकों के लिए रिजर्व रहेगा। आप समय लेके भी आए और कई बार बिना समय लिए भी आ गए तो आपको निराश नहीं करेंगे, लेकिन समय लेके आए तो बेहतर होगा। और इसलिए इस माध्यम से भी आपके सुझाव आप दे सकते हैं। और दूसरा, मेरी एक हमने आइडियाज फॉर CM एक वेबसाइट बनाई है, उस पर भी आपके आइडियाज हमसे शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी आइडियाज होंगे वो इम्प्लीमेंट करने के लायक होंगे तो निश्चित रूप से मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, मध्य प्रदेश की हमारी टीम इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, क्योंकि हम तो मध्य प्रदेश के विकास में आप सबको मित्रों भागीदार बनाना चाहते हैं, आप सबको भागीदार बनाना चाहते हैं। मैं अंत में इतना और कह के, कुछ मित्रों ने मुझे कहा
कि कल एक सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपने जो श्लोक पढ़ा था नेता के बारे में वो सबको बता दें। तो अंत में वो श्लोक मैं आपको सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा और समिट का समापन होगा। लीडर का मतलब केवल राजनीतिक नेता नहीं होता, नेता बिजनेस लीडर भी होता है, नेता सोशल सेक्टर का भी होता है, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। और मित्रों जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, जिनके मन में ललक है, मैंने कई बच्चे देखे जिनकी आंखों में सपने हैं, जिनके दिल में संकल्प है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, मैं उन नए उद्यमियों से कहना चाहता हूं कभी हार मत मानना। नेता अगर बनोगे, बिजनेस लीडर बनोगे, तो एक श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब गुटबाजी से दूर, जितने सहयोगी है उनके साथ बराबरी का व्यवहार और योग्यता के आधार पर काम। अपनी बिजनेस की मैनेजमेंट की कंपनी भी अगर है तो योग्यता के आधार पर काम। मुक्त संगो अनहमवादी, कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, कितनी संपत्ति अर्जित कर लो, लेकिन अहंकार कभी मत लाना। आज जब जेपी गौर साहब को हम देख रहे थे, अगर किसी ने देखा नहीं हो तो वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये कोई बहुत बड़े उद्योगपति है। अहंकार सुन, सादा जीवन उच्च विचार। मुक्त संगो अनहमवादी और धृति मतलब धैर्य, कोशिश करोगे कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती, नहीं मिली तो चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन, धैर्य मत खोना, नहीं कई लोग बहुत जल्दी निराश और हताश हो जाते हैं। निराशावादी नहीं, धैर्य रखना। मुक्त संगो अनंबादी धृत उत्साह समन्विता, उत्साह का मतलब हमेशा उत्साह से भरे रहो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनके पास जिंदा आदमी भी अगर पहुंच जाए कि हमको ये करना है तो कहते कहां लगे हो, अरे इंडिया तो कभी सुधर ही नहीं सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये मध्य प्रदेश तो ऐसे ही रहेगा। वो ऐसे निराशा के गर्त में धकेल देंगे कि आदमी बिल्कुल मर जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि मुर्दा भी आए तो उसमें प्राण फूंक दे, जिंदा होके जाए, मुर्दे में प्राण फूंक दे, उसको इंसान कहते हैं। इसलिए उत्साह से भरे रहो और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो फिर प्रयास करेंगे, उसमें जो समान रहे उसको कहते हैं ठीक लीडर। ऐसे बिजनेस लीडर बन जाओ, मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ, देश को भी आगे बढ़ाओ। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित करने का काम करना है, उसके लिए मध्य प्रदेश बनाने में सहयोग कीजिए। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार काम कर रही है, वो सरकार अपने कामों के कारण भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगी और विश्व का कल्याण होगा जो नारा वर्षों पहले भारत ने दिया था उसको साकार करेगी। लेकिन उसके लिए मेक इन MP आइए, मध्य प्रदेश बनाइए, हमारे साथ कदम मिलाकर चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, हम सब साथ चलें और एक नए मध्य प्रदेश की रचना करके दें। लेकिन आज ही मैं एक घोषणा और कर रहा हूं, अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 साल बाद मध्य प्रदेश में ही होगा और वो उसकी तारीखें भी अभी मैं तय कर रहा हूँ। आप ब्लॉक कर लें वो तारीख, क्योंकि उसमें फिर आना है, फिर मुझे देखना है, आपसे हाथ मिलाना है, गले लगना है और मुझे फिर ये प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। वो अगला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में 19, 20 और 21 अक्टूबर 2016 को होगी। 19 को MSME का सम्मेलन होगा और 20 और 21 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। बोलिए आप सब आएंगे ना? अरे सब नहीं बोल रहा, सब आएंगे तो आप सबका हृदय से स्वागत। और 2 साल बाद जब मैं स्वागत करूंगा तो केवल स्वागत नहीं करूंगा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए धन्यवाद भी दूंगा और गले भी लगाऊंगा। मैं आभारी हूं एक बार फिर सारे एम्बेसडर्स का, हाई कमिश्नर्स का जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे, सभी उद्योगपति मित्रों का, मेरे केंद्रीय मंत्री साथियों का जिन्होंने यहाँ कर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में योगदान दिया, पत्रकार मित्रों का, आप सब उद्यमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो देर हो गई है लेकिन फिर भी भोजन करके जाना है, बिना खाए नहीं जाना है। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, मध्य प्रदेश।